पंजाब दे विच चार थावां ते होण वाली जिमनी चोण नूं लै के लगातार सियासी अखाड़ा भकिया होया है। गिदड़बाहा दी जेकर गल कीती जावे तां गिदड़बाहा दी सीट कईआं दे लई वकार दा सवाल बनी हुई है। ते हुण इक बेहद ही हैरान कर देण वाला मामला गिदड़बाहा तों सामने आया, जिथे कि गिदड़बाहा दे विच जो कांग्रेस दे सांसद ने राजा वड़िंग उन्हां दे पोस्टरां दे उत्ते इह कालख मली गई है। इस तों इलावा कई थावां दे उत्ते गोहा भी मल दिता है, कई थावां दे उत्ते उन्हां दे पोस्टरां नूं पाड़ भी दिता गया, जिसनूं लैके हुण कांग्रेस दे वर्करां दे वल्लों लगातार रोस जताया जा रहा है। तो उन्हां दा कहना है कि विरोधियों की यह हार है जो कि यह बुखलाहट साबित कर रही है कि उन्हां दी आउण वाली चोणां दे विच हार पक्की होण वाली है, जिसके कारण ही उन्हां दे वल्लों यह घिनौनी हरकतां कीतियां जा रही ने। जेकर गल की जाए गिदड़बाहा सीट की, तो गिदड़बाहा सीट के उत्ते तुहानूं दस दईए कि जो राजा वड़िंग ने सांसद कांग्रेस के उन्हां दी पत्नी अमृता वड़िंग नूं कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसी विचकार जेकर गल की जाए भाजपा की, तो भाजपा तो मनप्रीत सिंह बादल नूं टिकट दी गई है, तो आम आदमी पार्टी जिन्हां दी पंजाब च मौजूदा सरकार है उन्हां दे वल्लों डिंपी ढिल्लों नूं उम्मीदवार वजो ऐलानिया गया। जी हाँ, दस दिए कि इस समय सब तो होट सीट मनी जा रही है जिमनी चोणों के दौरान गिदड़बाहा दी, क्योंकि इतने तीन जो सियासी आगू ने वो आमो सामने ने। तो इस विचकार जेकर गल की जाए बरनाला दी, चब्बेवाल दी, डेरा बाबा नानक दी, तो इतने भी पूरा जो है सियासी अखाड़ा भखिया होया। पर हुण गिदड़बाहा तो एक खबर निकल के सामने आई है, राजा वड़िंग के पोस्टरां के उत्ते गोहा मल दिता गया, जिसनों की हुण वर्करां दे वल्लों खुद ही साफ करन दा भी काम कीता जा रहा है। भाई जी, असी रात ही 11:30-12 बजे तकरीबन ये पोस्टर लाए सीगे जी, ते 12 बजे ला के गए, जमा सही सी। जदों सुबह असी 7:30-7:30 के करीब जदों फिर असी इत्थों जाण लगे, तो मैं वेख्या भी चारे पोस्टरां दे उत्ते गोहा मलया पिया सी। इहदे नाल साडा बड़ा मन दुखी होया, चलो वोटां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, ते ये जिहड़े साडे विरोधी आ उहनां नूं आपदी इह हार महसूस हो रही है। उस हार दे कारण करके उह बखलाड़ च आए पए आ, वो इन्हां दे पोस्टरां उत्ते इस तरह गोहा मल दिंदे आ। किसी दे काल से एक नहीं है, तीन चार आ, मैं तुहानूं इधर भी दिखाउणा, ये तीन चार आ, ये इन्हां दी हार दी निशानी है विरोधियों की। ये जदों मैं भी MC इलैक्शन लड़िया सी उठिया सी, मेरिया फोटोआं ते भी इन्हां ने बहुत ज़्यादा कालस कदे गारा कदे कुछ लाया सी, पर ये उदों भी हार गए सी। किन्ना फर्क पै सकदा इस तरह कोई करन नाल? लगदा कोई फर्क नहीं पैंदा, लोकां दे दिलां च वसदा राजा वड़िंग जिन्ने भी लोगों का, घट्टो घट 100 फोन तो मैनू आ गया लोगों का जी, वो कहते बाई जी इदा तो नहीं जितते भी फोटो से वेखो। चलो बाई जी किसी का गुस्सा होता है बाई जी करा रहे कोई जरूर करांगे, असीं वेखदे आं कोई CCTV कैमरे वेखदे, जे सानू किसी का शक होया जरूर करांगे जी। जदों साडा बंदा नहीं जी हरकत करता जी, तो असीं इन्ने पोस्टर लगे आ, साढ़े 12 च भी ला जाते, कदे कोई इहो जी हरकत नहीं करी। पंजाब दे विच चार थावां ते होण वाली जिमनी चोण नूं लै के लगातार सियासी अखाड़ा भकिया होया है। गिदड़बाहा दी जेकर गल कीती जावे तां गिदड़बाहा दी सीट कईआं दे लई वकार दा सवाल बनी हुई है। ते हुण इक बेहद ही हैरान कर देण वाला मामला गिदड़बाहा तों सामने आया, जिथे कि गिदड़बाहा दे विच जो कांग्रेस दे सांसद ने राजा वड़िंग उन्हां दे पोस्टरां दे उत्ते इह कालख मली गई है। इस तों इलावा कई थावां दे उत्ते गोहा भी मल दिता है, कई थावां दे उत्ते उन्हां दे पोस्टरां नूं पाड़ भी दिता गया, जिसनूं लैके हुण कांग्रेस दे वर्करां दे वल्लों लगातार रोस जताया जा रहा है। तो उन्हां दा कहना है कि विरोधियों की यह हार है जो कि यह बुखलाहट साबित कर रही है कि उन्हां दी आउण वाली चोणां दे विच हार पक्की होण वाली है, जिसके कारण ही उन्हां दे वल्लों यह घिनौनी हरकतां कीतियां जा रही ने। जेकर गल की जाए गिदड़बाहा सीट की, तो गिदड़बाहा सीट के उत्ते तुहानूं दस दईए कि जो राजा वड़िंग ने सांसद कांग्रेस के उन्हां दी पत्नी अमृता वड़िंग नूं कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसी विचकार जेकर गल की जाए भाजपा की, तो भाजपा तो मनप्रीत सिंह बादल नूं टिकट दी गई है, तो आम आदमी पार्टी जिन्हां दी पंजाब च मौजूदा सरकार है उन्हां दे वल्लों डिंपी ढिल्लों नूं उम्मीदवार वजो ऐलानिया गया। जी हाँ, दस दईए कि इस समय सब तो होट सीट मनी जा रही है जिमनी चोणों के दौरान गिदड़बाहा दी, क्योंकि इतने तीन जो सियासी आगू ने वो आमो सामने ने। तो इस विचकार जेकर गल की जाए बरनाला दी, चब्बेवाल दी, डेरा बाबा नानक दी, तो इतने भी पूरा जो है सियासी अखाड़ा भखिया होया है। पर हुण गिदड़बाहा तो एक खबर निकल के सामने आई है, राजा वड़िंग के पोस्टरां के उत्ते गोहा मल दिता गया, जिसनों की हुण वर्करां दे वल्लों खुद ही साफ करन दा भी काम कीता जा रहा है। भाई जी, असी रात ही 11:30-12 बजे तकरीबन ये पोस्टर लाए सीगे जी, ते 12 बजे ला के गए, जमा सही सी। जदों सुबह असी 7:30-7:30 के करीब जदों फिर असी इत्थों जाण लगे, तो मैं वेख्या भी चारे पोस्टरां दे उत्ते गोहा मलया पिया सी। इहदे नाल साडा बड़ा मन दुखी होया, चलो वोटां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, ते ये जिहड़े साडे विरोधी आ उहनां नूं आपदी इह हार महसूस हो रही है। उस हार दे कारण करके उह बखलाड़ च आए पए आ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲਸੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ, ਕਦੇ ਗਾਰਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ। ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੇਖਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 12 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ।